بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के एतराज़ात के जवाब में अपनी कौम को मुखातिब कर कर कहते हैं कि काला, नूह ने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, अरअईतुम इन कुंतु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, जरा मुझे बताओ कि अगर मैं अपने रब की जानिब से रोशन दलील पर हूँ, यानी कि तौहीद की रोशन दलील उस पर हूँ, व आतानी रहमतम मिन इंदिही, और अल्लाह ने मुझे अपनी जानिब से नबुवत दे रखी है, और फ़ाउमियत अलैकुम, और ये तुम पर मख्फी रह जाए, तुम पर पोशीदा रह जाए, तो अनुल्ज़िमुकुमुहा, क्या मैं ज़बरदस्ती तुमसे इसको मनवा सकता हूँ, व अंतुम लहा कारिहून, इस हाल में कि तुम इसको नापसंद करते हो, तो मतलब ये है कि मैं ज़बरदस्त तुमसे जबरन इसको मनवा नहीं सकता। और वया कुमिला अस्अलुकुम अलैहि माला, और ए मेरी कौम, मैं इस पर यानी कि इस कारे नबुवत पर तुमसे किसी माल का तकाजा भी नहीं करता हूँ कि तुम ये समझो कि मैं अपने किसी दुनियावी मफाद ये तुम्हें दावत दे रहा हूँ। तो या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि माला, मैं तो इस पर तुमसे किसी माल का तकाजा भी नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अलल्लाह, क्योंकि मेरा बदला तो अल्लाह के जिम्मे है, मैंने अपना बदला तो अल्लाह से लेना है। और वमा अना बितारिदिल्लज़ीना आमनू, और मैं नहीं भगाने वाला अपने पास से उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं। इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, ये अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं तुम्हें ख्याल करता हूँ कि तुम जाहिल कौम हो, जहालत वाली, जहालत का काम जो है वो तुम करती हो, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम जाहिल कौम हो। यानी कि जो ईमान वालों का इस्तिख़फ़ाफ़ करता है, उनको फकीर समझता है, सिर्फ इस वजह से वो जो है वो माली तौर पे कमजोर हैं या मुआशी तौर पर उनके उनके पास उस कदर वसायल नहीं है, तो ये शख्स जो है ये जहालत मुर्तकिब है। और ये पिछली कौमों के जो कुफार और मुजरिमीन थे जिनको अल्लाह ने तबाह व बर्बाद कर दिया, ये शख्स उनकी सुन्नत पर चल रहा है, क्योंकि वो भी अम्बिया के साथ चलने वालों को इसी वजह से हकीर समझते थे कि ये लोग माली तौर पर कमजोर हैं या मुआशरे के मुआशरे की इलीट से इनका ताल्लुक नहीं है। वया कौमी मैं यंसुरुनी मिन अल्लाह इन तरत्तुहुम, ऐ मेरी कौम, अगर मैं इनको भगा दूं, इन तरत्तुहुम, अगर मैं इनको भगा दूं, अपने पास से दूर कर दूं, तो मेरी अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा? अगर मैं तुम्हारे कहने पर इन लोगों को अपने पास से भगा दूं तो क्या अल्लाह के मुकाबले में तुम मेरी कोई मदद कर सकोगे? नहीं, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। तो ये किस तरह हो सकता है कि मैं तुम्हारे कहने पर इन ईमान वालों को अपने पास से दूर कर दूँ? अफला तज़क्करून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, क्या तुम नसीहत नहीं हासिल करते? बाकी वला अकुलु लकुम, मैं तो तुमसे ये नहीं कहता कि इंदी, मेरे पास, ए खजाइनुल्लाह, अल्लाह के खजाने मेरे कब्जे में है, मैं तो तुमसे ये नहीं कहता। वला अलमुल गैब, और मैं गैब नहीं जानता। वला अकुलु इन्नी मलक, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। वला अकुलु लिल्लज़ीना तज़दरी अयुनुकुम, और ना ही मैं ये कहता हूँ उन लोगों के बारे में तज़दरी आयुनुकुम, जिनको हकीर समझती हैं तुम्हारी निगाहों में जो हकीर हैं, उनके बारे में मैं ये भी नहीं कहता कि लन युक्तियहुमुल्लाहु खैरा, कि अल्लाह ताला उनको भी खैर नहीं देगा। तो ये मैं उनके बारे में क्यों नहीं कह सकता? पहली बात यह कि खैर, अल्लाह की जो सारी की सारी खैर है, उसका मालिक मैं हूं नहीं, इसीलिए कहा कि वला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। और दूसरी वजह कि मैं ये क्यों नहीं कह सकता, नहीं युक्तियहुमुल्लाहु खैरा, दूसरी वजह यह है कि वला आलमुल गैब, और मैं कोई गैब का इल्म भी नहीं रखता। और तीसरी बात यह है कि वला अकूलु इन्नी मलक, और ना ही मुझे फरिश्ता होने का दावा है, मैं फरिश्ता हूँ जिसको अल्लाह ने यह बता दिया हो कि अल्लाह ताला जो है वो इन लोगों को कोई खैर नहीं देगा। अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम,
अल्लाह ताला खूब जानता है उस चीज को जो इनके दिलों में है, यानी कि अगर इनके दिलों में ईमान है तो अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। इन्नी इदन लमिन अवालिमीन, अगर मैं ऐसा करूं यानी कि अगर मैं इनको अपने पास से भगा दूं तो मैं जालिम लोगों में से हो जाऊंगा, मैं जो है वो अपनी हद से तजावुज करने वालों में से हो जाऊंगा, और अम्बिया ऐसा नहीं करते। कालू, उन्होंने जवाब में कहा कि या नूह, ए नूह, कद जादलतना, आपने हमारे साथ बड़ी बड़ा झगड़ा किया है, फअक्थर जिदालना, और इसमें खूब आपने जो है वो झगड़े को खूब बढ़ाया है, ठीक है, और बहुत कसरत से आपने हमारे साथ झगड़ा किया है, तो अब हम तंग आ गए हैं, तो फातिना बिमा तईदुना, अब आप ले आइए वो चीज के जिसका आपने जिसकी आप हमें धमकियां देते हैं, उसको ले आइए, इन कुंता मिन सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो उस चीज को ले आइए जिसका आप हमारे से वादा करते हैं। और वो चीज क्या है, वो आयत नंबर 26 में गुजरा है कि वो अजाब अजाब है जिसका नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से तذکرہ किया था। अला, इसके जवाब में नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन्नमा यातिकुम बिल्लाह, ये अजाब तो अल्लाह ही ला सकता है, अजाब को तो अल्लाह ही ला सकता है, इंशाअ, अगर वो चाहे, वमा अंतुम बिमौजिज़ीन, और तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, या तुम जो है वो बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते या तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। मतलब यह है कि अजाब का लाना या ना लाना वो मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में तो यह है कि मैं तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दूं, और वो मैं पहुंचा रहा हूँ, बाकी अजाब कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कब आएगा, ये अल्लाह के इख्तियार में है, इसका इल्म अल्लाह को है, और इसका मुझे जो है वो मेरे इख्तियार में ये चीज नहीं है, और बाकी जब अजाब आएगा तो तुम उससे बच नहीं सकोगे, वमा अंतुम बिमौजिज़ीन। तो जिस तरह अजाब मेरे इख्तियार में नहीं है, उसी तरह वला यनफउकुम नुसी इन अरदतु अन अनसहलकुम इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम, अगर अल्लाह ने तुम्हें गुमराह करने का इरादा ही कर लिया हो, इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम, अगर अल्लाह ने हिदायत का रास्ता ही तुम्हारे ऊपर बंद कर दिया हो और तुम्हें हिदायत से महरूम कर दिया हो, तो वला यनफउकुम नुसी इन अरदतु अन अनसहलकुम, मैं कितना भी तुम्हारी खैरख्वाही का इरादा कर लूँ, मेरी नसीहत और मेरी खैरख्वाही तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकती, अगर अल्लाह ने तुम्हारे से हिदायत के ऊपर में जो है वो हिदायत से महरूम रखने का फैसला कर लिया हो, और हुआ रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है, व इलैही तुरजाउन, और तुमने लौट कर उसी अल्लाह के पास तुमने लौट कर जाना है। अम यकूलू नफ्तरा, जी शायद के बारे में कल एक बात मैंने कही थी, तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ जहनी तौर पर, जी सर, जी बताइए क्या इस आयत के बारे में बात हुई थी। यकूलून अफ्तरा, हमने कहा था कि इसकी दो दो जिहाद हैं, या तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कौम से खिताब है, या भी हजरत नूह का अपना खिताब है, और नबूवत के तौर पर नबूवत पे है ये। ठीक है, बारकुल्लाह फीकुम। हम यकूलून अफ्तरा, ये लोग कहते हैं कि इसने अपने पास से इसको घड़ लिया है। कुल, ए नबी, आप कह दीजिए, इन इफ्तरैतुहु, अगर मैंने अपने पास से इसको घड़ लिया हो, फअलैय इजरामी, तो इसका जुर्म, इसका जो इसकी जो सजा है वो मेरे ही जिम्मे है, बाकी लेकिन दूसरे दूसरी जो इसमें दूसरा जो इहतमाल है वो ये है कि मैंने इसको अपनी तरफ से नहीं घड़ा। ठीक है, दो चीजें हैं, कल भी ये बात हुई थी कि अगर तो मैंने इसको अपनी तरफ से घड़ लिया है और मैं इस दावे में झूठा हूँ, तो इसका जो नुकसान है वो तो मुझे ही होगा, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये सोचो कि अगर मैं इसमें सच्चा हूं तो फिर क्या बनेगा, अगर मैं इस सारे सारी बात में जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, अगर मैं इसमें सच्चा हुआ तो फिर सोचो कि फिर तुम्हारा क्या बनेगा। वो अना बरी उम्मा तुजरिमून, बाकी जो तुम जुर्म करते हो उनसे मैं बरी हूँ, उनसे मेरा इजहारे बरात है, उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद जो है, वह ऊहिया इला नूहिन, वही की गई नूह की तरफ के, अन्नहु लन युमिना मिन कौमिक इल्ला मन कद आमन, बात यह है कि नहीं ईमान लाएगा, हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, मिन कौमिका, आपकी कौम में से कोई भी, इल्ला, मगर वो के, मन कद आमन, मगर वो जो पहले से ईमान ला चुके हैं, मतलब यह है कि अब कोई नया बंदा आपके कौम में से ईमान नहीं लाएगा। फला तब तइस बिमा कानू यफालून, फला तब इस बिमा कानू यफालून, और इसलिए आप जो है वो गमगीन मत हो इनके अफाल पे, आप इनके अफाल पर गमगीन मत हो, अब जो है इनमें से कोई और ईमान लाने वाला नहीं है।
ये जब नूह अलैहि सलाम को ये बता दिया गया कि अब आपकी कौम में से और कोई ईमान नहीं लाएगा, और जब ये अपनी कौम के ईमान लाने से नाउम्मीद हो गए अल्लाह ताला के बताने पर कि अब इनमें से कोई भी ईमान नहीं लाएगा, तो फिर नूह अलैहि सलातु वसलाम ने अपनी कौम पर बददुआ की थी, जिसका जिक्र सूरह नूह के अंदर है कि या रब इन्नी दाऊतु कौमी लैला व नहारा व लम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा व इन्नी कुल्लमा दाऊतुहुम लितगफिर लहुम جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. ये आखिर तक है। तो ये अल्लाह ताला ने जब खबर दे दी कि आप ये अब इनमें से कोई भी ईमान नहीं लाएगा, तो फिर जो है वो आपने उनके लिए बददुआ की। अब ये अजाब की तफसील क्या है, किस तरह ये अजाब आया? तो बस इनको हुक्म दिया गया कि वसना अल्फुलका, वसना बनाइए, आप बनाइए अल्फुलका कश्ती को, आयुनिना हमारी आंखों के सामने, वहीना और हमारे हुक्म से, हमारे हुक्म के मुताबिक और हमारी आंखों के सामने आप कश्ती को तामीर कीजिए। वला तुखातबनी फिल्लदीना गलमू, और हरगिज सिफारिश नहीं करनी आपने, हमारे हमारे से सिफारिश मत करें उन लोगों के बारे में कि जिन लोगों ने जुल्म किया है, उनके बारे में हमसे सिफारिश मत करें। इन्नहुम मुगरकून, वो लोग हैं वो गर्क कर दिए जाएंगे, वो लोग गर्क होने वाले हैं। तो इन्नहुम मुग़रकून, इन लोगों के गर्क होने का जो फैसला है वो हो चुका है। तो अब जब इस हुक्म की तामील करते हुए नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे, तो वयस्नाउल फुल्का मतलब क्या है, वक्ता ना यस्नाउल फुल्का, अब वो कश्ती जो है वो बना रहे थे, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती की तामीर कर रहे थे। वकुल्लमा मर्र अलैहि मलाउम मिन कौमिही सखिरू मिन, वकुल्लमा और जब भी मर्रा अलैहि मलाउम मिन कौमिही, गुजरते थे नूह अलैहिस्सलाम के पास से मलाउम मिन कौमिही सरदार उनकी कौम में से, तो सखिरू मिनहु, ये मस्खुर उड़ाते थे मिनहु नूह अलैहिस्सलाम का, जब वो पास से गुजरते और देखते कि एक ऐसी जगह पे जहां पर पानी के कोई आसार नहीं है, उस जगह पे नूह अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी कश्ती बना रहे हैं, वो इस बात पे उनका मजाक उड़ाते थे। आला नूह अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि इन तसखरू मिन्ना, अगर तुम हमारा मस्खर उड़ा रहे हो, अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तो फइन्ना नस्खरू मिनकुम, हम भी अनकरीब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम पर तमस्कुर करेंगे, कमा तस्खरून, जिस तरह तुम तमस्कुर कर रहे हो, यानी कि जब अनकरीब अल्लाह का हुक्म आएगा और तुम्हें जो है वो तबाह बर्बाद किया जाएगा, तो उस वक्त हम तुम्हारा तमस्कुर उड़ा रहे होंगे, अभी तुम हमारा तमस्कुर उड़ा रहे हो, लेकिन उस वक्त जो है वो हम तुम्हारा तमस्कुर उड़ा रहे होंगे। तो हत्ता इदा जा अमरुना, यहाँ तक के सौफ तालमूना, तो तुम अनकरीब जान लोगे लोगे कि मैं यातीही अज़ाबुन युख्ज़ीही, कि कौन है, मन कौन है कि यातीही अज़ाबुन युख्ज़ीही, कि उसके पास आता है ऐसा अजाब जो उसको जलील और रुसवा कर दे। तुम अनकरीब जान लोगे, फसौफ तालमूना, तुम अनकरीब जान लोगे कि मैं यातीही, कौन है जिसके पास आता है अजाब, ऐसा अजाब के युखजी ही उसको जलील और रुसवा कर दे, वयहिल्लु अलैहि, और उतरता है उसके ऊपर अजाब मुकीम, हमेशा हमेशा रहने वाला अजाब, हमेशा हमेशगी वाला अजाब किसके ऊपर जो है वो उतरता है। तो ये अजाब युखजी ही से मुराद जो है ये दुनियावी अजाब है, और अजाब मुकीम से मुराद ये आखरत वाला अजाब है। तो अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा, आज तुम ईमान वालों का जितना मर्जी ठट्ठा उड़ा लो और जितना मर्जी उनका तमस्कुर कर लो, अनकरीब तुम्हें इस बात की खबर मिल जाएगी कि कौन जो है दुनिया में भी उसको जलील करने वाला और उस वाक उन अजाब का सामना करना पड़ेगा, और आखरत में भी उस पर हमेशगी वाला अजाब जो है वो मुसल्लत होगा। अब हत्ता इदा जा अमरुना, यहाँ तक कि हमारा हुक्म जब आ पहुंचा, हुक्म से मुराद अजाब का हुक्म है, वफारत नूरू, और नूर नूर जो है वो उबलने लगा, पानी से उबलने लगा। उबलना, हमने कहा हमिल फीहा, सवार कर लीजिए इस कश्ती में, मिन कुल्लिन, तमाम में से, जौजैनी जौजैन इस्नैनी, हर किस्म के, यानी कि मिन कुल्लिन जौजैन इस्नैनी, हर किस्म के जोड़े सवार कर लीजिए अपनी कश्ती में, वह अहलका, और अपने अहल को भी सवार कर लीजिए, और अहलका से मुराद वो है जो ईमान ला चुके, इल्ला मन सबका अलैहिल कौलु व मन आमन, हाँ सिवाय उनके के जिनके बारे में सबका अलैहिल कौलु,
इल्ला मन सबका अलैहिल कौलु, ये इसमें इस्तिस्ना है कि जिनके बारे में अजाब का फैसला हो चुका है उनके अलावा। और वमन आमन यानी के ईमान वालों को भी अपने साथ सवार कर लीजिए, ठीक है। ये वमन आमन का ताल्लुक जो है ये मन सबका अलैहिल कौल के साथ नहीं है, यानी कि मन सबका अलैहिल कौलु वमन आमन, ऐसा नहीं है कि मन आमना का अतफ जो है वो इस मन सबका अलैहिल कौल पर है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मन आमना का जो अतफ है मन आमना का वो पड़ा है इस पर, वो अहलक अहलका पर अतफ पड़ा है, यानी कि अहमिल फीहा सवार कर लीजिए इस कश्ती में हर किस्म के दो जोड़े अपने अहल और व मन आमन और वो जो लोग ईमान ला चुके हैं उनको सवार कर लीजिए। बाकी इल्ला मन सबका अलैहिल कौल जो है ये बीच में से मुस्तस्ना है कि जिनके बारे में पहले से अजाब का फैसला हो चुका है उनको उनके अलावा। बाकी ये लोग कितने थे उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा आमना माहू, नहीं ईमान लाए नूह के साथ इल्ला खलील, मगर बहुत थोड़े से लोग ईमान नहीं लाए नूह के साथ मगर बहुत थोड़े से लोग। तो इनमें से वैसे तो हर आयत ऐसी है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इबरतें हैं और बहुत ज्यादा असबाक हैं, खासतौर पे अंबिया के जो अंबिया के अपनी कौमों के साथ जो मामलात हैं जो कुरान पाक ने बयान किया उनके अंदर बहुत ज्यादा असबाक हैं। लेकिन क्योंकि ये तर्जुमे की क्लास है और उसमें ज्यादा मुमकिन नहीं होता, इस वजह से हम तेजी से जरा चलते हैं। अलबत्ता ये एक बात यहाँ पर कीमती है और जरूरी है, वो ये है कि वमा आमना माहु इल्ला क़लील, वमा आमना माहु इल्ला क़लील, के नूह अलैहिस्सलाम के साथ नहीं ईमान लाए थे मगर बहुत थोड़े लोग, इल्ला क़लील। तो और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो दावत दी थी वो किस तरह दी थी, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो दावत दी थी वो किस तरह दी थी, क्या उस दावत की क्या कैफियत थी, जो उन्होंने जिसका अल्लाह ताला ने सूरह नूह के अंदर भी तस्करा किया है और भी लोगों पे तस्करा किया है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मैंने अपनी कौम को दिन और रात इन्नी दाऊत उमी लैलम व नहारा, ठीक है, तो उसके अलावा सिर्रन व जिहारा और चुप कर भी और अलल ऐलान भी और एक एक कर कर भी और इस तरह दिन को भी और रात को भी, और ये सब के नूह अलैहिस्सलाम की जो नबुवत का अरसा है और उन्होंने जो अपनी कौम को दावत दी है वो एक तवील अरसा है, और वो दावत दी भी इस तरह नहीं है कि बस अपने घर में आराम से बैठ के तो एक दफा ऐलान कर दिया और बस ठीक है, जिसने मानना है मान ले और जिसने नहीं मानना वो ना माने, नहीं ऐसा नहीं था, अंबिया का मामला ऐसा नहीं हुआ करता, बल्कि वो अपनी पूरी जान जो है उसको खपा देते थे। तो उसके बावजूद यानी कि अंबिया से बढ़कर कौन जो है वो फसीह और बलीग होगा, अंबिया से बढ़कर कौन जो है वो हक दलाइल को जानने वाला और हक दावत की हिकमतों को जानने वाला होगा, इन सब चीजों के बावजूद वमा आमना माहू इल्ला कलील, वमा आमना माहू इल्ला कलील। आपको बात समझ आ रही है? जी सर। इससे हमें क्या बात समझ में आती है, जरा हाथ खड़ा करना जो बताना चाहे। इससे क्या बात समझ आती है ये पूरी तकरीर जो मैंने की है, बहन बताएं। सर यही कि इंसान कोशिश करता रहे, बाकी हिदायत देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है, और इंसान कभी भी मायूस ना हो, अपने उस रास्ते पे कायम रहे। और दूसरा ये कि हक की पैरवी अक्सर ही ये देखा गया है कि कम लोग करते हैं। ठीक है, बारकल्लाह फीकुम। जी इरफान भाई आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम चाचा। मेरे भी यही राय थी कि हदायत देना तो अल्लाह की जात ने यानी कि जिसको हदायत के रास्ते पर लेके आना है, लेकिन नबी का काम ये था कि कोशिश करना, उनको तबलीग करना, प्रचार करना, ठीक है, लेकिन हदायत जो उनसी है वो अल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। इससे जो एक अहम बात है वो ये है कि आपकी दावत को कितने लोग बोलियत बख्शते हैं, आपकी दावत जो है उसको कितने लोग जो है वो उस पर लब्बाई कहते हैं, या आपके सुनने वाले कितने हैं, या आपकी बात को मानने वाले कितने हैं, ये कभी भी कोई मयार है ही नहीं सिरे से, ये अल्लाह ताला की नजर में ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सिरे से कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं ये कामयाबी या नाकामी,
एक कामयाब दावत और एक नाकाम दावत का ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसको सुनने वाले, इसको देखने वाले, इसको मानने वाले और इसको तस्लीम करने वाले लोग कितने हैं। तो मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो माशरे के अंदर कोई दावत लेकर खड़ा हो और उसको करोड़ों और लाखों जो है वो उसको सुनने वाले मिल जाएं और उसकी पैरवी करने वाले हजारों लाखों करोड़ों को पहुंच जाएं, लेकिन वो दावत जो है वो बातिल हो, बातिल हो, अल्लाह ताला की नजर में वो दावत दावत ही ना हो। ठीक है, तो और एन मुमकिन है कि वमा आमना माहु इल्ला कलील जो है, ये बंदा के जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि वमा आमना माहु इल्ला कलील, ये एक उलुल अजम पैगंबर हो और ये अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह जगह इसकी मिसालें दे रहे हो। तो ये मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ कि आजकल जिस तरह वो हमारे जहलम वाले हजरत वो अक्सर ये बात करते हैं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लाखों तक पहुंचे हुए हैं, मेरे जो यानी कि मेरे मेरे जो सुनने, बल्कि एक वीडियो के अंदर वो ये कह रहे थे कि वो इब्ने तैमिया को कौन जानता है, इसके मुकाबले में वो जो इसहाक साहब जालवी, इसहाक जालवी फैसलाबाद वाले, उनको आज जो है वो बच्चा बच्चा जानता है और ये वो, तो शेखुल इस्लाम तो फिर इसहाक जालवी को कहना चाहिए। तो ये सारी बात जो है मतलब इस बात के गलत या ठीक होने से कता नजर ये स्टैंडर्ड ही बिल्कुल गलत है कि हम इस चीज का फैसला किस चीज पर करें, तादाद के ऊपर, सब्सक्राइबर्स की तादाद, देखने वालों की तादाद जो है वो हक और बातिल का फैसला किया जाए। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जो कि यानी कि जिस बंदे ने सिर्फ जुमा कुरान का भी पढ़ा है वो भी इस बात के ऊपर के ये इस बात को समझ सकते हैं, इस बात हकीकत से और हक और बातिल का पैमाना कभी भी ये नहीं हुआ करता कि इसकी दावत कितनी पजीराई जो है वो दुनिया दुनिया के अंदर मिल रही है। तो ये बात इसलिए मैंने यहाँ पर की है कि वमा आमना माहु इल्ला कलील, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि जब आप इसको इस पूरे सिनेरियो के अंदर देखें तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह की दावत के बारे में बताया कुरान पाक में जगह जगह, किस तरह उन्होंने दावत दी और 950 साल का अरसा जो है वो इस तरह दावत देते रहे, उस सब बाद जब मा आमना माहु इल्ला कलील, इस जुमले को आप उस सारे सिनेरियो में रख के देखेंगे फिर आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी बात है। वमा आमना माहु इल्ला कलील, क्या आपको इस सारी बात का मकसद समझ में आ गया? जी सर। जी इरफान भाई बोलिए। जी सर। जी इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। जी जी आवाज आ रही है। अच्छा शेख साहब, मैं जिस तरह आप वो यानी के हाईलाइट कर रहे थे जिस तरह के जेलम का जो इंजीनियर है, तो अब ये कुरान मजीद में सब्सक्राइबर मेरे इतने हैं, मेरे व्यूवर इतने हैं, अब अगर हम यानी के कुरान मजीद की आयत पर भी नोट करें तो अक्सर यही आता है अक्सर हम ला यालमून, यानी के अक्सरियत जो होती है, ये बात तो पहले बहन ने भी कही है ना, ये बात यानी के अक्सरियत जो होती है वो, यानी कि हम इस बात को अगर इस बात को छोड़ दें, हम यानी कि अगर हम इस बात को भी एक तरफ रख दें कि सिर्फ अक्सरियत या अकलियत को भी एक तरफ रख दें, तो सिरे से यानी कि ये कोई मायार है ही नहीं, सिरे से कोई मायार है ही नहीं, बल्कि हदीस के अंदर आता है कि क़यामत वाले दिन बाज अंबिया ऐसे भी आएंगे कि जिनके साथ कोई भी नहीं होगा, जिनके साथ एक कोई एक उम्मती भी नहीं होगा, ऐसे अंबिया भी क़यामत के दिन आएंगे। तो यानी कि असल जो चीज़ है वो ये है कि इंसान किस चीज़ की दावत दे रहा है, इंसान किस चीज की तरफ दावत दे रहा है, ये बात अहम नहीं है कि आप के आप सुनने वाले या आपको देखने वाले या आपकी बात को मानने वाले कितने लोग हैं या आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ये बात अहम है ही नहीं, सिरे से इस बात की कोई हैसियत है ही नहीं। और असल अहमियत किस चीज की है, वो अहमियत ये है कि आप किस चीज की तरफ बुला रहे हैं, अगर आप हक की तरफ बुला रहे हैं और आप अकेले हैं और कोई बंदा भी आपकी बात नहीं मान रहा, तो दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रूह से आप नाकाम हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के जो पैमाने हैं उसकी रूह से आप कामयाब हैं। और अगर आप जो है वो जैसे आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, जो मुतनाज़िया चीजें होती हैं, तो अगर आप इस तरह की बातें करके आप लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं अपना, के जो आपको फॉलो करते हैं या आपको सुनते हैं या आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपकी जो दावत है वो हक की दावत नहीं है, तो ये यानी कि ये जो है ये आप ये चीज बिल्कुल भी आपको मुतासर ना करे, इंसान को कभी भी इस चीज से मुतासर नहीं होना चाहिए, ये चीज जरूरी है। यानी कि कुरान पढ़ने का मकसद ये भी है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो ठीक हों, हमारे कॉन्सेप्ट ठीक हों, हम उन चीजों से मुतासर ना हों कि जिनसे बजाहिर लोग मुतासर होते हैं, क्योंकि हमारी जो तरजीहात हैं वो हों जो कि कुरान की तरजीहात, यानी कि जिस कदर इंसान की तरजीहात
तरजीहात की जो इंसान की लिस्ट है, जिसको हम कहते हैं इंसान की प्रायोरिटीज जो है, वो जिस कदर उस तरह सेट होती जाएंगी जिस तरह कुरान जो है वो उसकी प्रायोरिटीज हैं, तो उसी कदर इंसान जो है वो हक करीब होता जाएगा। तो ये इस सारी बात का मकसद जो है वो ये है। तो वकाल अरकबू फीहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। अब जब ये पानी जो है वो हर तरफ से निकलने लग गया, तो वकाल नूह ने कहा इरकबू फीहा, अब सवार हो जाओ इस कश्ती में, अपने साथियों को कहा कि अब इस कश्ती में सवार हो जाओ। बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह ही की मदद से इसका चलना है और अल्लाह ही की मदद से इसका ठहरना है, इसका इस कश्ती का चलना भी और इसका ठहरना जो है वो अल्लाह ही के हुक्म से है। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला है और बहुत ही मेहरबान है, गफूर और रहीम है। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ये अब जो अजाब है वो उसका आगाज हो गया, तो अब ये सफीना नूह, नूह अलैहि सलाम की कश्ती में जो है वो ईमान वाले सवार हो गए। बाकी अब ये वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, ये कश्ती उन्हें लेकर, ईमान वालों को लेकर पहाड़ की तरह मौजों में जो है वो चल रही थी। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, अब यानी कि इतनी बड़ी बड़ी मौजें हैं और उनके अंदर ये कश्ती ईमान वालों को लेकर वो जा रही है। वनादा नूह इब्नहु, इसी असना में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दावत दी। और वनादा नूह इब्नहु वकान फी माजिलिन या बुनैया माना वला तकुम माल काफिरीन। नूह ने अपने बेटे को आवाज दी, वकान फी माजिलिन, और वो एक एक सिमत में था, एक किनारे पर था। या बुनैया, ए मेरे बेटे, इरकब माना, हमारे साथ सवार हो जा। वला तकुम माल काफिरीन, और काफिरों के साथ मत हो, काफिरों के साथ शामिल मत होना। औला, इसके जवाब में, नूह अलैहिस्सलाम की इस बात के जवाब में उस बेटे ने क्या कहा, साआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं तो जरूर पनाह ले लूंगा इला जबलिन, किसी बड़े पहाड़ की तरफ, और ऐसा पहाड़ के यासिमुनी, मुझे बचा लेगा, मिनल माई, पानी से, किसी ऐसे पहाड़ की तरफ पनाह पकड़ लूंगा जो मुझे इस पानी के तूफान से जो है वो बचा लेगा। तो इसके जवाब में नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ला आसिम अल्यौम मिन अम्रिल्लाह, ला आसिम अल्यौम मिन अम्रिल्लाह। यहाँ पर जो आसिम है ये मासूम के माना में है, आज कोई बचने वाला नहीं है मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, ला मर रहीम, मगर वो के जिस पर अल्लाह रहम कर दे। आज अल्लाह के इस अजाब से कोई भी बचने वाला नहीं है सिवाय वो जिस पर अल्लाह रहम कर दे। और ये इतनी बात हुई तो वहाल बैनहुम अलमौज फकान मिन अलमुग़रिकीन, इन दोनों के दरमियान यानी कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के दरमियान मौज जो है वो पानी की एक हायल हो गई, फकान मिन अलमुग़रिकीन, और वो गर्क होने वालों में से हो गया। वकीला, और फिर अब ये कहा गया या अर्ज़ु इब्लई माअकि व या समाउ अक़ई, वकीला या अर्ज़ु इब्लई माअकि, और कहा गया जमीन को, कहा गया, आवाज दी गई जमीन को कि ए जमीन, या अर्ज़ु इब्लई माअकि, अपने पानी को निगल जा, अपने पानी को निगल जा। व या समाउ अक़ई, और ए आसमान तू रुक जा, पानी बरसाने से रुक जा। वगीज़ अलमाउ, और पानी खुश्क कर दिया गया, पानी खुश्क हो गया। वकूदी अलअमरु, और काम तमाम कर दिया गया। वस्तवत अलल जूदी, और ये जो कश्ती थी ये ठहर गई जूदी पर, जूदी पहाड़ का नाम है। और वकीला, और ये आवाज दी गई कि बुअदन लिल कौमि ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम के लिए हलाकत और तबाही है, ज़ालिम कौम के लिए हलाकत और तबाही है, ये जो है वो निदा कर दी गई सारे मामले के बाद। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब पुकारा और कहा कि वनादा नूह, नूह रब्बहु, नूह ने अपने रब पुकारा, फकाला, और कहा रब्बी, मेरे रब, नबनी मिन अहली, मेरा बेटा तो मेरे अहल से था। व इन वादकल हक, और तेरा वादा तो हक है। व अंत अहकमुल हाकिमीन, और तू ए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। जिस तरह पीछे ही शायद के अंदर आया था कि नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनि व अहलक, अपने घर वालों को भी साथ सवार कर लीजिए। इस वजह से नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह वो तो मेरे अहल में से था। وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, और आपका वादा जो है वो सच्चा है और आप अहकम उल हाकिमीन है।
अल्लाह ताला ने इसके जवाब में कहा, कौला अल्लाह ताला ने कहा, या नूह ए नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो आप अहल में से है ही नहीं, वो आपके अहल में से है ही नहीं। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, यानी कि इसका माना यह है कि इन्नहु दू अमलिन गैरु सालिह, इन्नहु दू अमलिन गैरु सालिह, ये जो आपका बेटा है ये गैर सालिह अमल वाला है, ये गैर सालिह अमल वाला है, यानी कि इसका अमल ही सालिह नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिस के इसको जो है वो निजात दी जाए। बाकी फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, आप उस चीज के मुतल्लिक सवाल मत कीजिए जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है, जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है। इन्नी अईदुका अन तकुना मिनल जाहिलीन, मैं आपको नसीहत करता हूं कि आप जाहिलों के गिरोह में से ना हो जाएं, यानी कि अगर आप उस चीज के बारे में सवाल करेंगे जिसका आप इल्म नहीं है, तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, आप जो है वो उन लोगों में से हो जाएंगे जो जाहिल लोगों में से होते हैं। तो अल्लाह ताला मना कर रहे हैं, आपने जो है ना वो ऐसा काम नहीं करना जिससे इंसान जाहिलों की सफ में शामिल हो जाए। तो औला फौरन जो है वो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ऐ मेरे रब, इन्नी आऊज़ु बिका, मैं आपकी पनाह में आता हूँ, आपकी पनाह तलब करता हूँ, मा लैसा ली बिही इल्म, मैं आपसे उस चीज का सवाल करूं कि जिसके बारे में मेरे पास इल्म ना हो। और व इल्ला तगफिर ली व तरहमनी, अगर आपने मुझे मुआफ ना किया, अगर आपने मेरी मगफरत ना की और मेरे पर रहम ना किया, तो मिनल खासिरीन, मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा, खसारा पाने वालों में से मैं हो जाऊंगा, नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। इला कहा गया, या नूह ए नूह, اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك, कहा गया कि ए नूह आप उतरिए, यानी कि इस कश्ती से उतरिए, बिसलाम منا, हमारी तरफ से सलामतियों के साथ, वबरकात और बरकतों के साथ, عليك आप पर भी, और على امم ممن معك, और उन उम्मतों पर भी जो तेरे साथ मौजूद लोगों में से पैदा होंगी। बरकात इन अलई का, आप पर भी हमारी बरकात है, वाला उममिन, और उन उम्मतों पर भी, मिम्मम माक, उनमें से पैदा होंगी जो लोग आपके साथ हैं, और उममुन सनुमत्रुहुम, और बाज उम्मतों को हम, सनुमत्रुहुम, उनको हम फायदे देंगे एक वक्त, सुम्म यमस्सुहुम मिन्ना अजाबुन अलीम, और फिर उनको पहुंचेगा हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब। यानी कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से भी, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही ये बाकी जो अंबिया के वाक़यात आगे आएंगे सारे, फिर उसी औलाद नूह में से जो है ये लोग हैं, वो जहाँ पर इसी औलाद नूह में से अंबिया भी चले हैं, अंबिया का सिलसिला भी हुआ है, इसी तरह इनमें से बाज़ कौमें जो हैं वो अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से तबाह भी हुई हैं। कहा कि उममुन सनुमत्तुहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, फिर जो है वो हमारी तरफ से उनको अजाब अलीम जो है वो पहुंचेगा। अब जो ये जो आयत है, आयत नंबर 49, इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत बयान है, अल्लाह के नबी की सिद्क का बयान है, आपकी नबूवत सच्चा होने का बयान है। ये जो सारी बातें हैं, नूह अलैहिस्सलाम का ये पूरा तफसीलन जो किस्सा है, ये इस तरह जो है वो आपको मालूम हुआ। हालांकि पहले तो आपकी कौम भी इस वाक्य को नहीं जानती थी, और आप भी इस वाक्य को नहीं जानते थे, और ना ही आप उस वक्त मौजूद थे वहां पर। फिर ये अल्लाह ताला ही ने ये जो है वो आपको खबर दी है। तिल का मिन अंबा الغیب نوحيها إليك, ये हैं वो गैब की खबरें, गैब की अंबा जो कि हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। ما كنت تعلمها, नहीं थे आप इन खबरों को जानते, आप इन खबरों को जानते नहीं थे। انت, ना ही आप, ولا قومك من قبل هذا, ना ही आपकी कौम इससे पहले, हमारे इसको आपकी तरफ वही करने से पहले, ना आप इनको जानते थे, ना आपकी कौम इनको जानती थी। तो अब जब आपने इस वाक्य को सुन लिया, तो फसबिर, आप भी सबर कीजिए, जमे रहिए, इन्नल आकिबत लिलमुत्तकीन, यकीनन अंजाम कार और आकिबत और अंजाम, बेहतरीन अंजाम जो है वो लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन ही के लिए होता है, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने देखा है के अंजाम कार जो है वो ईमान वालों के लिए ही होता है, और जो अल्लाह ताला के दुश्मन होते हैं उन वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ से वइला आदिन अखाहुम हुदा, यहाँ से दूसरी नकली दलील का बयान शुरू होगा। ये यहाँ पर आयत नंबर 49 पर जो है वो
पहली नकली दलील खत्म हुई है, पहली नकली दलील, और वो नूह अलैहिस्सलाम से थी। और इसमें साबित यह किया गया कि जो अंबिया की बात तस्लीम कर लेते हैं वो बच जाते हैं दुनिया के अंदर भी, और जो अंबिया की बात तस्लीम नहीं करते वो दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाते हैं और आखिरत के अंदर भी उनका मामला जो है वो खतरनाक है।